क्यों नहीं हुआ, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं देवेंद्र भाटी गांव सुमपेड़ा से आज आपको बताऊंगा अपने रिसोर्सेज के आधार पर, मैंने जैसे जानकारी मिली है या जैसे मैंने और लोगों से जान पहचानने के लोगों उनसे बातचीत की, उन्होंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि MLA विमल बहुत पुराने दो योजनाओं से 2012 से और 2022 तक MLA रही हैं। पहली योजना में जो कि 123 वोटों से वो जीती थी, जबकि 2017 में वो 28,000 वोटों से जीती थी सिकंदराबाद 64 से। अब जानते हैं कि सिकंदराबाद 64 क्या है क्या नहीं है। सिकंदराबाद 64 की जो स्थापना हुई थी वो सिकंदर लोधी ने 1498 में कराई थी, ठीक है, जिसमें जो कि आपका दिल्ली के नज़दीक था इस वजह से। बाकी अभी जो कंडीशन में जहाँ पर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी इसी के पास में ही है और अपना जिला गौतम बुद्ध नगर भी इसी के पास में आता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूँ जो टोटल वोट हैं 64 में 3 साढ़े 3 लाख होगी आपके सिकंदराबाद की। बाकी आप जान लेते हैं विमला सोलंकी के बारे में। विमला सोलंकी का जो जन्म हुआ था वो 1959 में फरीदाबाद में हुआ था, ठीक है। बाकी इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी आपके खानपुर में, खानपुर बुलंदशहर में। और एजुकेशन की बात करें तो इनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो 12th पास है, BA इन्होंने एडमिशन लिया था 1-2 साल की, उसके बाद में छोड़ दिया, कोई विशेष नहीं है। बाकी करंट में ये जो दिल्ली में रहती हैं और वहीं से ये आने जाने का देखती हैं, जो भी है यहाँ पर आने जाने करती हैं। बाकी कुछ लोगों का कहना है, जो मेन मोटिव है हमारे आज टॉपिक है कि इन्हें टिकट क्यों नहीं मिला जबकि ये 2 बार पहले से जीती हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये काम नहीं करती हैं या फिर ये इनका आना जाना कम है या जो भी है, तो उसी सब्जेक्ट पर हम आज बात करेंगे। बाकी मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई। पहले जान लेते हैं एक विधायक किस लेवल पर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। विधायक जो होता है, जैसे एक देश को चलाने के लिए राज्यसभा बनाई जाती है, उसी तरह के एक राज्य को चलाने के लिए विधानसभा बनाई जाती है। हमारे यहाँ विधानसभा जो सीट है पिछले 2 बार से विमला सोलंकी जी हैं, और एक विधायक की जो सैलरी होती है करीब 2.5 लाख के आसपास मिलती है, जिसमें उनका कन्वेंस वगैरह 8,000 का होता है और सब चीज़। और एक योजना में तकरीबन इनको जो पैसा मिलता है 5 साल के लिए, 5 साल में जो पैसा मिलता है यानी 7.5 करोड़ के आसपास, 7.5 करोड़ रुपये इन्हें एक योजना में मिलते हैं। और इसके अलावा 200 हैंडपम्प एक योजना में मिलते हैं, पर हैंडपम्प की वैल्यू माने तो 50,000 के आसपास होती है, वही इनको मिलता है। और आवास, मेडिकल, यात्रा भत्ता, एक व्यक्ति के साथ ट्रेन में फ्री वगैरह रह सकती हैं। और रिटायर होने के बाद में जो इन्हें मिलेगा वो 30,000 रुपये पर मंथ, और वो मेडिकल वगैरह में मिलते रहेंगे, और एक व्यक्ति के साथ में ट्रेन में सफ़र भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सर बात ये थी कि विमला जी का टिकट क्यों नहीं हुआ। आते फिर उसी बात पर, जैसे कि सिकंदराबाद 64 में 136 गांव आते हैं, और जबकि एक योजना में एक विधायक को काम करवाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब वो 1 साल का लगाए तो तकरीबन 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, तो इतने में इतने गांवों में कितना कितना पैसा लगा पाएगी। अगर 1-1 लाख भी लगाया तो भी कम पड़ गया। तो काम की बात तो ये रही, कुछ जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं कराया, भाई काम तो करा है। अगर एक गांव में एक योजना में अगर 10-20 लाख का प्रोजेक्ट भी लगा दिया तो बहुत है, एक छोटा सा रोड बनाने में भी बहुत पैसा लगता है, तो काम तो उन्होंने किया भैया। विजिट नहीं करती भाई, विजिट का तो ये लगा लो वो लोग दिल्ली रहते हैं, क्योंकि सारी राजनीतिक मीटिंग दिल्ली या लखनऊ में होती है, तो
तो अगर वो विजिट नहीं करते हैं तो उनकी फैमिली से उनके हस्बैंड ज़्यादातर कभी भी जैसे कोई प्रोग्राम होता है कहीं पर भी तो वो वहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। मैंने कई बार देखा, पर्सनली नोटिस किया है बात, क्योंकि एक बार मेरी बाइक भी ककोड़ पर पकड़ ली थी, तो उस समय भी मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने अपने भाई से कॉल करवाया था तो दरोगा से बात की थी उन्होंने, तो वो भैया पर्सन तो अच्छे हैं और वो बात को समझे, बाकी उन्होंने अपने मैटर को सॉर्ट आउट किया। संपर्क संपर्क उनके सभी से हैं, जो भी गांव से फोन करता है तो वो उससे बड़ी विनम्रता से बात करती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक पॉइंट ये भी आया था कि मतलब वो जो और कैंडिडेट हैं उनके सामने उनकी बुराई करती हैं, तो भैया ऐसा भी नहीं, जैसे दावेदारी दी गई है उसे मैं पर्सनली बताऊं मैं तो जानता था नहीं लक्ष्मी राय, ना ही उनके पास अभी कोई ऐसा पद है ना ही कुछ था, बस जैसी जानकारी मिली है वो आरएसएस से हैं, आरएसएस संस्था से हैं अपने, और जिला बुलंदशहर से अध्यक्ष हैं आरएसएस के, तो वो बात भी क्रॉस होती है। और सोर्स ऑफ इनकम, लोग अगर ये कहते हैं कि भाई जो योजना में पैसा आता है उसे खाते हैं, तो भाई गलत है यार, ये तो बिल्कुल गलत। उनके पास में ऑलमोस्ट 18 से 20 करोड़ की संपत्ति है और वो पैसे खाने वाली तो बात नहीं, जबकि दो योजना में कितना आया, 7 दुनी 14, 14-15 करोड़ आया, तो इसका मतलब पूरा था, तो ये भी बात गलत ही है। उनके अपने पर्सनली बिजनेस वगैरह हैं तो वो उन्हें सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास में, ठीक है। तो बाकी रह गया एक लास्ट फैक्टर जो लास्ट भी है और मेन भी है, ये है, इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो ये लास्ट वाला है उनकी एज। 2022 में उनकी एज 62 वर्ष की हो चुकी है, जो कि बीजेपी के विचारों के अनुसार से इसमें जो वो समय रखने जा रहे हैं 60 वर्ष का रखने जा रहे हैं, कि मतलब 60 वर्ष का ही जो पर्सन होगा वो राजनीति में रहेगा, उसके बाद उन्हें संन्यास लेना होगा। तो आप यही मान के चलें और यही सत्य है, यही कटु सत्य है कि उनकी एज की वजह से ही उनका टिकट नहीं हुआ है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है सर, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।